हमारे शो पे पहली बार आई सोनाक्षी. यू लाइक माई होम? दिस इज ओ यस वेरी प्रिटी ग्रीन कलर हाउस विद रेड डोर. हॉस्पिटल भी है, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे. मतलब सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट. स्विमिंग पूल भी है. कहाँ है ये? ढक्कन खोलना पड़ता है इसके अंदर, देखो. सोनाक्षी तुम खाली हाथ आ गई? दिस शुड बी अ क्वेश्चन टू यू. खुद से पूछो. अरे मम्मी आपकी खाना बना, मेरी मम्मी कुछ बनाएगी तो मैं लेके आऊंगा. आपकी मम्मी बनाती है, आपको लेके आना चाहिए ना. पर तेरा तो रिश्ता ही बड़ा पाक है इनके साथ. बहुत ही ज्यादा. बहन भाई का देखो ना. पिछले साल रक्षाबंधन हुआ था तो ये आए थे इंडियन आइडल जूनियर में. मैं जज थी. हाँ. ये अपना फिल्म प्रमोट करने आए थे. ओ तो पुरानी बात है. और आज मैं आ गई. 2015 की बात. अब कैलेंडर बदल रहा है तो रिश्ता नहीं बदल सकते क्या? कर दी महफिल रोशन यहाँ आकर, बैठा के चाहत की कश्ती में खवैया बना दिया. जो चाहता था खुद को सैया बनाना, ऐसा हमारा छक्का के भैया बना दिया. चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक. कम सोनाक्षी, ये देखो हमने नए सोफा बनाए. वाओ, बजट बढ़ गया. बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया. Nice. ये सोनाक्षी जो अपनी फिल्म में काम कर रही है वो सारे काम वो कर रही है जो हीरो करता है. अच्छा. एक्शन वैक्शन मारना पीटना लोगों को. तो अगर आप फिल्म की हीरो हैं तो हीरोइन कौन है फिर? चाहे तो तुम बन सकते हो बेबी. तो मतलब सारे गुंडों को तो इन्होंने पीट दिया, तो मैं क्या दुपट्टा लेके ऐसे दांतों में चबाने जाऊं फिल्म में? क्यों नहीं. वैसे भी तो आधे मर्द तुम्हारे शो पे लड़कियां बने घूम रहे हैं. बिल्कुल सही बोल रही है. अरे वो टेम्परेरी होते पता, ज्यादा गर्मी में निकल जाए ना तो उनकी औरतें पिघल के सड़क पे फैल जाती. परसों तो मेरी नानी पिघल गई थी. चलते चलते देखा नानी सड़क पे, नाना निकल के. अच्छा आप देखो बाजी, NH 10 में और सुल्तान में अनुष्का पीट रही लड़कों को, ठीक है. बागी में श्रद्धा कपूर पीट रही है, ठीक है. दीपिका पादुकोण एक्शन कर रही है, प्रियंका चोपड़ा कर रही है, सोनाक्षी भी नहीं हट रही है. आप क्या चाहते हो, अक्षय पाजी और सलमान रिटायरमेंट ले लें? मतलब सब लड़कियों को हो क्या गया है, सबकी सब एक्शन क्यों कर रही है? अरे क्यों नहीं, आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती है. हेलो. अच्छा बताओ, चांद पे जा रही है औरतें तो हम थोड़ी मारपीट नहीं कर सकते? ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है. कितना भी बंदा बब्बर शेर हो जाए, सवारी दुर्गा ही करती है. आप कहते हो कोई काम बताओ लड़की नहीं कर सकती, लड़की बाप बन सकती है? बाप तो बना सकती है ना. तो वैसे सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है अकीरा, अकीरा है किस बारे में सोनाक्षी? क्या है वो लड़की, क्या करती है? अकीरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की की कहानी है. आई थिंक एक ऐसी लड़की है जो कि कुछ गलत सहन नहीं करती है. उसके फादर ने उसे बचपन से इतना मजबूत बना दिया था कि कोई इनजस्टिस या कोई गलत काम को वो नहीं सह सकती है. एंड जब वो उसके साथ होता है तो वो कैसे वो उससे लड़ती है और उससे ऊपर यू नो आ जाती है. तुम्हें बड़ी खुशी हुई ना सोनाक्षी ये फिल्म करके? बहुत ही ज्यादा. मारना पीटना बड़ा अच्छा लगता है सोनाक्षी? बहुत ही ज्यादा. मतलब मैं सोच रही थी कब मुझे ये मौका मिलेगा और इस फिल्म में मिल गया. ऐसे लड़कों में अक्षय पाजी को बड़ा मजा आता है, फालतू में आके हमारी चीजें तोड़ जाते हैं आके. सोनाक्षी के पापा शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और बेसिकली बिहार से हैं. सोनाक्षी अगर मैं आपको आपके पापा का डायलॉग दूं आप बोल सकते हो? आई मीन ट्राई कर सकती हूं. मैं एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, वो आए तो कहना चेनू आया था. हाँ. वो चपड़गंजू वाला भी है? चपड़गंजू वाला. अबे ओए चपड़गंजू. हाँ. वो आए तो कहना चेनू आया था. हाँ. आगे क्या था? ज्यादा गर्मी है खून में तो. हाँ. बेशक आ जाए मैदान में. और आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा. एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का, कौन सा? कि जली को राग कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जो आया और उस राग से जब बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं. अभी आप जली को राग कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, उस बारूद से
फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ, क्या बात है, यही आप करके मुझे बताएं। भोजपुरी नहीं, अब तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। हाँ, प्यारी में। हाँ देखो ससुरा, तह का तो पता ही होगा, जली कर राख कहते हैं। जली को राख कहते हैं, बुझी को भी आग कहते हैं, और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। चलो एक अकॉम्प्लिशमेंट तो की उसने, हाथ नहीं हिलाए। अच्छा सोनाक्षी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शत्रु सर जब ना अपना रिश्ता लेकर गए ना सोनाक्षी की नानी के पास, हाँ उन्होंने मना कर दिया था पहले? बिल्कुल मना कर दिया था। तू क्या बोलते? बोले थे कि एक तो मम्मी मिस इंडिया, मतलब खूबसूरत टू नेक्स्ट लेवल, ये तो बात है। हाँ, और पप्पा तभी स्ट्रगलिंग डेज में थे, तो मतलब लंबे से, पतले से, काले काले से, कटी पटी चकल, मतलब स्कारवार था, और चले गए रिश्ता लेकर नानी के पास। तो नानी अपने सिंधी एक्सेंट में, अच्छा मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम दोनों को एक फोटो में खड़ा करेंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगेगा। फिर माने कैसे बाद में? स्टार बनने पर सब मान जाते हैं। ये तो है। फिर तो शत्रु सर जब स्टार बन गए होंगे, फिर गए होंगे ना घर पे, कैसे तो आए तो कहना शत्रु आया था।